चलो गुड इवनिंग, आगे बढ़े हम लोग। एवरीबॉडी कहाँ पर थे हम लोग? कौन सा चैप्टर बच्चों पढ़ा? फटाफट बताओ, चैप्टर टू या थ्री? नाउ थ्री नाम क्या है? प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ओके एवरीबॉडी, INC 22 क्या था? हाँ फॉर्म नंबर करेक्ट। किसके लिए? रजिस्ट्रेशन ऑफिस के वेरिफिकेशन के लिए था क्या? बराबर है, गुड। चलो ठीक है, व्हाट इज सेक्शन? अभी कुछ रैंडमली पूछो, रैंडमली सेक्शन नंबर 19 क्या है? 19 सब्सिडियरी कंपनी नॉट टू होल्ड इन इट्स होल्डिंग कंपनी, वेरी गुड। 20 क्या है? 20 20 ठीक है, छोड़ो। 7 वेरी गुड, इनकॉर्पोरेशन उतना था इजीली, गुड। 4 MOA 12 आर ओ, वेरी गुड। मतलब रैंडमली पूछे तो प्रॉब्लम होता है। 20 18 चलो छोड़ो, इजी वाला पूछता। 16 ऑल्टरेशन रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ द कंपनी। ओके मतलब देखो अभी जब एग्जाम दोगे तो कैसा सबके सब, अभी 70 वाला क्वेश्चन आएगा तो थोड़ी ना 70 वाला सेक्शन आएगा थोड़ी तो पहले के 60-70 याद रखोगे फिर डालोगे, तो थोड़ा थोड़ा धीरे उतना बाहर होना पड़ेगा कि भाई सबको रैंडमली नंबर भी सब याद आए, है कि नहीं? कर ले लिया। और क्या किया? 26 नहीं किया, 30 किया, 30 एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रॉस्पेक्ट। 31 शेल, 32 रेड हेरिंग, 34 33 बोला ना मैंने, 33 एवरेज्ड प्रॉस्पेक्टस। कौन सा प्रॉस्पेक्टस बच्चों? एवरेज्ड प्रॉस्पेक्टस। यस चलिए फाइन, बड़े आगे हम लोग। 23 क्या है? 23 तो उसको एडमिट करना पड़ेगा। आर्यो क्या था? 23 क्या बोला मैंने? पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। ओके 24 पावर्स ऑफ सेबी। ओके 24 सेबी सब पेंडिंग, अपना सब खत्म करते हैं, चलेगा। चलो आगे बढ़े हम लोग। शेल्फ अपना हो चुका था ना। एनी अदर सेक्शन यू कवर्ड यस्टरडे अलग से कुछ? 27-28 किया फिर हम लोगों ने, 27-28 कुछ ऑफर फॉर सेल किया ना, 28 ये बच्चों कवर, 28 ऑफर फॉर सेल वो भी कल किया था, बराबर है। कौन बच्चों बेच रहा शेयर्स? सर्टेन मेंबर्स, मतलब कौन बच्चों? सर्टेन मेंबर्स, चलो ठीक है। मेनली तो प्रमोटर्स करेक्ट, इन्वेस्टर्स जिनर कंपनी में पैसा लगाया और वो एग्जिट कर रहा है, बराबर है। सो लेट्स गो अहेड एवरीबॉडी। हम लोग 29 में थे तो 29 थोड़ा सा बच्चों खत्म कर देते हैं, ठीक है। वैसे बहुत सारे रूल्स उसमें से हटा दिए हैं, सो नो प्रॉब्लम अबाउट इट। ओके देखा ना सभी ने, आई थिंक तुम लोगों ने काट मारा उसको, है ना? चलो ठीक है। 29 का बच्चों नाम क्या था सेक्शन का? पब्लिक ऑफर एंड डीमैट फॉर्म। अग्रीड एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू? तो मेनली सेशन किसके लिए था? पब्लिक कंपनीज के लिए, बिकॉज ओनली पब्लिक कंपनी कैन गिव पब्लिक ऑफर। और पब्लिक कंपनी में कौन सा है? लिस्टेड या अनलिस्टेड दोनों आ सकते हैं यहाँ पे दोनों आएंगे। अब जो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यूज कॉमन सेंस। जो लिस्टेड है, लिस्टेड बच्चों कंपल्सरी गोइंग विच अकाउंट डीमैट। और जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी है, इवन देयर न्यू ऑफिस बच्चों गिवन गोइंग विच अकाउंट डीमैट अकाउंट होगी। मतलब जो नया ऑफर जाएगा, नया ऑफर दैट शुड बी कंपल्सरी ऑफर्ड इन डीमैट। समझा नहीं समझा? तो डीमैट ये कंसेप्ट कब से आया रहेगा? 50-60 ईयर्स बैक? नहीं ना, जब तुम्हारा सेबी आया 1995 के आसपास, जब तुम्हारा, जब उसके पहले फिर शेयर्स कैसे होल्ड करते हम लोग इन फिजिकल फॉर्मेट, लिटरली है ना, फिजिकल फॉर्मेट करेक्ट लिया। तो उसके पहले की कंपनीज का क्या? अच्छा मान लो रिलायंस है, टाटा स्टील रहेगा, टाटा केमिकल्स रहेगा, जो पुरानी कंपनीज है बिफोर 1995। तो जो लिस्टेड थे तभी भी लिस्टेड थे, ओके लेटर ऑन उनको क्या बोले, आप तो कंपल्सरी इसको क्या करो, डिमांड करो। व्हाट अबाउट द कंपनी विच अभी भी तुम्हारा क्या था, मतलब देर इनकॉर्पोरेट बिफोर 1995, दे आर इनकॉर्पोरेट वॉट बच्चों बिफोर 1995 एंड बट दे वर नॉट लिस्टेड। क्या एवरी कंपनी लिस्टेड है बच्चों बाई डिफॉल्ट? ऑब्वियसली नॉट। तो ऐसे कंपनी जो पब्लिक कंपनीज है, दे वर इनकॉर्पोरेट वॉट बच्चों बिफोर 1995, मतलब उनके शेयर्स कौन से फॉर्मेट में है, डीमैट या फिजिकल?
फिजिकल में है, बट आर दे लिस्टेड? नो, आई गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर उनमें कुछ भी चेंजेस होते हैं, चेंजेस मतलब क्या, अगर वो नया ऑफर करते हैं या फिर बायबैक करते हैं, समझ रहे हैं, नया ऑफर करते हैं या फिर क्या बायबैक, बिफोर ऑल डूइंग ऑल ऑफ दैट दे हैव टू कंपल्सरली कन्वर्ट देयर फिजिकल शेयर्स इनटू व्हाट, डीमैट, गेटिंग माय पॉइंट? तो किसके लिए भी एप्लीकेबल हो रहा है, फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज ऑल्सो, बट विच कंपनीज, पब्लिक ओनली, करेक्ट क्लियर? एंड अगर मान लो कोई नया कंपनी भी अभी आता रहेगा, पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड है, बट दे वॉन्ट टू गिव बच्चों वॉट शेयर्स इन वॉट शेयर्स टू पब्लिक पीपल एट लार्ज, पब्लिक, तो जो भी देंगे नया वाला ऑफर, इवन दैट हैज बी इन डीमैट फॉर्म, क्लियर ऑल ऑफ यू, समझे? तो कंपल्सरी किसके लिए था, डीमैट पहले से लिस्टेड के लिए था, बट दिस सेक्शन इज ऑल्सो मेकिंग इट इंपॉर्टेंट बच्चों, फॉर विच कंपनीज, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, ओके? देखो एक बात, रेडी, चलो. Every company making a public offer and other prescribed classes of companies shall issue the securities only in demat form. Every company making public offer, इसमें तुम्हारा listed as well as unlisted दोनों आ जाएंगे, बराबर है? 29(1)(a), I told you this मुझे story about 10A वाला का, 3A का story में मैंने बताया था, कुछ याद आया? मतलब बाद में लाया था उसको, it was introduction between two different sections, याद आया क्या? Similarly, whenever again you are going to see बच्चों subsection also जैसा कुछ नाम का 1A दिख रहा है क्या? यू ऑलरेडी हैड 29(1), बच्चे यू ऑलरेडी हैड 29(2), तो बीच में डालने के लिए नया कोई सेक्शन की जरूरत पड़ी थी हमको, तो उसे किसको लाया? 1A, गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस वाज इंट्रोड्यूस लेटर ऑन. प्रिस्क्राइब अनलिस्टेड कंपनीज, ओके? किसका नाम, व्हाट डू यू मीन प्रिस्क्राइब? एक लिस्ट आएगा, जो लिस्ट में जो कंपनीज रहेंगे उनके लिए ही एप्लीकेबल है. उसके बच्चे कौन सा रूल आया? रूल 9A, सिक्योरिटीज बच्चे शैल बी हेल्ड और ट्रांसफर्ड. व्हाट डू यू मीन बाय हेल्ड? बेचना या रखना? रखना. अभी जस्ट तुमको थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया, कंपनीज बिफोर 1995 पब्लिक कंपनीज बट अनलिस्टेड, अब उनको भी बच्चों क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा देयर फिजिकल शेयर्स इनटू व्हाट? डीमैट, जस्ट इवन टू होल्ड इट, समझा कि नहीं समझा? और अगर बेचना भी है तो अगेन बच्चों दे हैव टू कन्वर्ट इनटू व्हाट? डीमैट, ओके? सो 29(1)(a) बच्चों स्पेसिफिकली फॉर सम सर्टेन लिस्ट, नॉट लिस्टेड, सर्टेन पब्लिक कंपनी, जिनके लिए खास कौन सा रूल लाया? रूल 9A. बट लाइक आई टोल्ड यू दैट रूल 9A बच्चों उड़ा दिया तुम्हारे सिलेबस में से, ओके एवरीबॉडी? सो वी डोंट हैव टू गो फॉर दैट इन क्वाइट डिटेल, उसकी जरूरत नहीं है, ओके? बट आगे, अब अदर कंपनीज, पर जिनके लिए बच्चों 29(1) और 29(1)(a) एप्लीकेबल नहीं है, ओके? एग्जांपल के लिए प्राइवेट कंपनीज है ना, ये सेशन बच्चों ओवरऑल पब्लिक कंपनीज के लिए है ना, प्राइवेट कंपनी के लिए है क्या? नहीं है. सो अदर कंपनीज मे कन्वर्ट इट्स एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज इनटू व्हाट? डीमैट, और इशू ऑल्सो द सिक्योरिटीज बच्चों ओनली इन डीमैट फॉर्म, ओके एवरीबॉडी? इनके लिए ये कंपलसरी ऑप्शनल है, फॉर प्राइवेट कंपनीज इट इज कंपलसरी और ऑप्शनल टू बच्चों गिव इन डीमैट. चेक करो, मे कन्वर्ट का मतलब क्या होता है? मे मतलब बच्चों व्हाट? मे का मतलब ही बच्चों क्या है? ऑप्शनल है. तो जो एग्जिस्टिंग फिजिकल है उसको कन्वर्ट करो इन डीमैट, और अगर तुमको चाहिए तो जो नया वाला शेयर दोगे वो भी तुम दे सकते हो ओनली इन डीमैट. तो दैट इज ऑप्शनल, ऐसा कुछ प्रोहिबिशन नहीं है ना, ओके एवरीबॉडी? सी डीमैट इज लाइक अ सर्विस, इट इज लाइक अ सर्विस. कुछ कुछ लोगों के लिए कंपलसरी है और बाकी के लोगों के लिए क्या है? फिर वो ऑप्शनल है. यस, चलियो बढ़े आगे. वो पॉइंट पढ़ो, डिमांड इंश्योर्स फुल प्रूफ वाला पढ़ो. वो कंट्रोल आता कि नहीं आता बच्चों? कंट्रोल मतलब क्या? ऑब्वियस देयर इज ट्रांसपेरेंसी. आई डोंट नो, इट इज लाइक ब्लॉकचेन, कौन से अकाउंट से खाली हुआ और कौन से अकाउंट में गया, ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहता है. सो देयर नथिंग यू कैन हाइड एज सच ऑन डीमैट अकाउंट. तुम सोचो कितने लाखों करोड़ों का बच्चों ट्रांजेक्शन होता है मार्केट में, है कि नहीं? कितने इन्वेस्टर्स है, लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स है कि नहीं बच्चों? तो एक भी शेयर तुम्हारा इधर उधर होता है क्या? अगर तुमने शेयर्स खरीदे, कल जाके देखा कि मेरे सब शेयर्स गायब भी हो गए, चलेगा क्या ऐसा? लोगों के लाखों लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं. सो यू हैव टू हैव बच्चों व्हाट? फुल प्रूफ कंट्रोल ऑन दैट स्टॉक्स, समझो एवरीबॉडी? उसके लिए सबसे बेस्ट सर्विस कौन सा तुम्हारा? डीमैट का ही है ना? इसलिए मैंने खास वो कंपनीज बनाए, कौन सा? CDSL एंड NSDL. इसलिए कैसे भारी काम हो जाएगा अगर हैक हो गया तो, इमेजिन करके देखो ना, CDSL NSDL हैक करने को आ गया तुमको, तो बेस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सबके अकाउंट से बस एक एक शेयर उठाने का, एक एक छोटे अकाउंट से भी नहीं, बड़े अकाउंट से. छोटे अकाउंट वाले को समझ जाएगा ना, जिसके पास एक ही शेयर उसको क्या उठाओगे तुम लोग? जिसमें से बहुत सारे शेयर्स है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को देख लें, बस एक एक शेयर उठाने का बस. ऐसे तुमको 10-20 ऐसे बकरे मिल गए तो भी बेस्ट हो गया, अपने आप मुझे बैठे बैठे तुम्हारा पैसा आ गया, है कि नहीं? बेस्ट है कि नहीं बच्चों? इज इट पॉसिबल? यू कैन थिंक ऑन दैट, ओके? कि हैक व्हाट बच्चों? CDSL एंड NSDL, स्पेशली NRI क्लाइंट. देखो NRI जिनको कुछ पड़ी नहीं है, पड़ा हुआ है पैसा 20-30 साल से बाहर पड़े हुए हैं,
है इधर इंडिया में प्रॉपर्टी बढ़ रहा है, ऐसे धीरे धीरे रोज रोज एक एक शेयर निकाल रहा है, रोज नहीं साल में खेत कुछ कुछ शेयर खाली करते रहने का, है ना, वहाँ पे डेबिट अपना क्रेडिट, ओके बेस्ट ना, बढ़ेगा आगे, चूना लगाओ सिर्फ चूना है ना बाकी के लोगों को, बेस्ट बढ़े आगे बच्चों हम लोग। चलो रूल 9, प्रमोटर्स ऑफ पब्लिक कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर, ओके चेक नाउ, ऐसे तो दो कंडीशन है, तो पब्लिक कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर, ओके एवरीबॉडी, डिड यू सी समथिंग अबाउट प्राइवेट प्लेसमेंट ऑल्सो, मतलब हमने डिटेल में नहीं गए बट देर वॉज अ कंसेप्ट ऑफ व्हाट प्राइवेट प्लेसमेंट, इट वॉज एक्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ पब्लिक ऑफर, कैन अ पब्लिक कंपनी डू दैट, कैन बच्चे पब्लिक कंपनी डू प्राइवेट प्लेसमेंट, वो डायग्राम याद है कुछ फर्स्ट सेकंड पेज पे ये चैप्टर के, ओके पब्लिक कंपनी बच्चों कैन डू प्राइवेट प्लेसमेंट, सो यर हम किसी बात कर रहे हैं पब्लिक कंपनी बच्चों डूइंग व्हाट पब्लिक ऑफर, पर ऐसे कंपनी के प्रमोटर्स, ओके सो प्रमोटर्स ऑफ पब्लिक कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर ऑफ एनी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, वेरी गुड, ओके शैल होल्ड सेट सिक्योरिटीज ओनली इन विच फॉर्म बच्चो डीमैट फॉर्म, ओके किसके ऊपर जो रूल लाया है प्रमोटर्स, ओके चेक आगे, ऑल्सो एंटायर होल्डिंग्स ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हेल्ड बाय प्रमोटर्स इन फिजिकल फॉर्म अप टू द डेट ऑफ आईपीओ शैल ऑल्सो बी बच्चों कन्वर्टेड इन डीमैट बिफोर सच ऑफर इज मेड एंड देयर आफ्टर विल बी हेल्ड इन डीमैट ओनली, द पॉइंट इज होपफुली कुछ समझता रहेगा कि धीरे धीरे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को ऊपर भी रूल आ रहा है कि इवन यू गाइज गेट योर सेल्फ कन्वर्टेड इन टू वॉट डीमैट, तो तुम्हारे पर कंपलसरी नहीं है फिर भी अभी तुम सब डीमैट में अभी कन्वर्ट करा लो, किसके लिए बच्चों बोल के रखा खास किन को बोला ये प्रमोटर्स ऑफ विच कंपनी सच पब्लिक कंपनी बच्चों मेकिंग वॉट पब्लिक ऑफर ऑफ विच स्टॉक ऑफ विच सिक्योरिटी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, सो जो उनके पास एग्जिस्टिंग खुद की प्रमोटर्स के पास जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है उसको भी कन्वर्ट करना है डीमैट एज वेल जो नया देंगे, ओके सो प्लीज अंडरस्टैंड इवन इफ यू आर इशूइंग डिबेंचर्स स्टिल यू हैव टू इशू दैट इन डीमैट ओनली, वाई बिकॉज कल जाके बच्चों क्या होने वाला है डीमैट, क्या डिबेंचर क्या बनने वाला है, शेयर्स ही बनने वाला है ना वो, अभी तुम इशू नहीं कर रहे हो शेयर्स बट तुम इशू क्या कर रहे हो डिबेंचर्स, बट कल जाके वो क्या बनने वाला है शेयर्स ही बनने वाला, इट इज एज वेल एज यू इशूइंग वॉट शेयर्स, तो इवन दैट डिबेंचर जो तुम अभी इशू कर रहे हो दैट हैज़ बी गॉन इन डीमैट ओनली, क्लियर लियो, सो देते वक्त भी डीमैट, ओके एवरीबॉडी, और जो तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग है वो भी तुम्हारा क्या डीमैट, ओके एवरीबॉडी, तो 29 का बहुत सारे अभी रूल्स हटा दिए है, तो अगेन लाइक फील आई डोंट फील वेरी इंपॉर्टेंस बिग इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेक्शन ओवर, ओके बढ़ू मैं आगे, आगे लेट्स फिनिश 27 ऑल्सो, टेन वाले पेज पर, 10th रेडी, ऐसे देखे ना छोटे छोटे सेक्शन ज्यादा कुछ खास नहीं इसमें, ओके वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट्स इन प्रॉस्पेक्टस, ओके सी प्रॉस्पेक्टस आपने देखा कौन से कितने पेजेस का था, भर भर के था 400 500 600, मैं उसमें जा भी नहीं रहा हूँ तुम लोग बोर हो जाओगे कि बहुत सारे डिटेल्स हैं स्पेशली इसमें बहुत टेक्निकल डिटेल्स भी है, मैक्सिमम यू कैन गो एंड चेक बच्चों तुम्हारा ये वाला कौन सा उसका ये इंडेक्स पेज, इंडेक्स पेज समझते हैं ना, आई थिंक हम लोग कल यहाँ पे कुछ ना कुछ कंपनी का देख रहे थे बराबर है, यस सो आई एम नॉट गोइंग टू द एग्जैक्टली डिटेल्स बट आई थिंक ये तुमको कल था क्या रे, कल तुम मैंने बोला था ये पढ़ो करके कल एक्स्ट्रा वाले में रजिस्ट्रार टू द इशू आरटीए कुछ था ना, रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट था ना कल, आरटीआई एंड आरटीए था ना कल, वो एक्स्ट्रा वाले तुमको पढ़ने को बोला था, सो ऑल दिस आर बच्चो वॉट चेक करो, अभी इसका ये बंदे का नाम क्या है, बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, आई एम टेलिंग यू क्या क्या स्कोप है, क्या क्या अलाइड सर्विसेज क्या क्या दिए जाते हैं फॉर अलॉटमेंट या फिर अगर तुम पब्लिक इशू में जा रहे हो तो, अब जिसका भी काम क्या रहेगा चेक करो आरटीए का काम क्या था, आरटीए टेक्स्ट बुक में देखो सेक्शन 29 के आगे दिया था जिसको अपन ने काट डाला है, आरटीए का काम क्या है, एप्लीकेशन वगैरह सबका कुछ है क्या, हाँ तो किन किन लोगों से कितना पैसा आया कितना एप्लीकेशन आया तो किसको क्या देना क्या नहीं वो सब जो रिकॉर्ड कौन रखेगा, कोई आरटीए रजिस्ट्रार टू क्या था वो रजिस्ट्रार क्या था वो रजिस्ट्रार टू इशू कर लिया यही के बच्चे तुम्हारा ये बंदा है कि नहीं, सो दिस एंटिटी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर अलॉटमेंट, ओके एवरीबॉडी
यस बाबू है, बाबू सम बाबू आई डोंट नो ओके राफेल पता नहीं मस्त नाम है, पर इंडियन भी है बाहर का भी है मिक्स हो गया है ना, बाबू भी है बाबू भैया की तरह और राफेल भी है राइट बड़े आगे क्या काम करती कंपनी गॉड नोस प्लैटिनम क्या इसका रहेगा डायमंड्स हाँ देखने का है क्या उसको आईपीओ में देखना पड़ेगा अपने को देखते हैं अपन वी कैन चेक चेक मैं तुमको इतना ही बताऊंगा आई मीन जो फिलहाल तुम्हारे इंडेक्स पेज में काम किया आएगा दिस इज द वन ऑफ द फर्स्ट पेजेस ओके ऑफ इंडेक्स पेज तुमको दिख रहा है फटाफट देखो डेफिनेशन एब्रीवेशन करेंसी कन्वर्जन वो सब टाइम पास है समरी ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट पेज नंबर 28 पे दिख रहा है क्या देन फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट उसके ऊपर रिस्क फैक्टर्स इंट्रोडक्शन ऑफ द इशू समरी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन समरी समझता ना समरी मीन्स शॉर्ट जनरल इन्फॉर्मेशन कैपिटल स्ट्रक्चर डेट कितना इक्विटी कितना इक्विटी का तुम्हारा ब्रेकअप कितना ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू बेसिस फॉर द इशू प्राइस समझा कि इशू प्राइस जो आप प्राइस में तुम देने वाले हो स्टेटमेंट ऑफ पॉसिबल स्पेशल स्पेशल टैक्स बेनिफिट वो छोड़ दो अबाउट द कंपनी वो अपन देख सकते हैं इंडस्ट्री ओवरव्यू आवर बिजनेस ये लोग क्या करते हैं समझा कि नहीं समझा मुझे को प्लीज अंडरस्टैंड नाउ आवर बिजनेस का अपना सिलेबस में सेक्शन 4 एमओए में संबंध आएगा कि नहीं आएगा विच क्लॉज आएगा ना ऑब्जेक्ट क्लॉज समझा कि नहीं समझा वेरी मच प्रैक्टिकल की इंडस्ट्री रेगुलेशन एंड पॉलिसीज इंडस्ट्री मतलब तुम कौन से सेक्टर में काम करते हो उसके क्या क्या पॉलिसीज है या फिर उसके क्या रेगुलेशन है हिस्ट्री एंड सर्टन कॉर्पोरेट मैटर्स ये ठीक है आवर सब्सिडरीज आवर मैनेजमेंट टॉप के लेवल पे बराबर है कि नहीं आवर प्रमोटर प्रमोटर ग्रुप आवर ग्रुप कंपनीज डिविडेंड पॉलिसी बच्चों व्हाट डू मीन बाय दिस कभी सुना ही है डिविडेंड पॉलिसी डिविडेंड कितना डिक्लेयर करना है कैसे मतलब कितना कैसे मतलब कितना है ना अच्छा ओके हाँ वो तो टाइप ऑफ डिविडेंड हो गया ना इंटरम डिविडेंड और कुछ डिविडेंड पॉलिसी अपन देखेंगे मतलब यहाँ पे देख सकते हैं ना वी कैन चेक ओके व्हाट इज देयर डिविडेंड पॉलिसी देन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ये भी ठीक है सेक्शन 6 देखो अपने लिए इंपॉर्टेंट है सिलेबस का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मतलब सेक्शन 5 का नाम देखो सेक्शन 5 का नाम क्या बच्चों फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अपने सिलेबस में है सेक्शन 6 लीगल एंड अदर इन्फॉर्मेशन ठीक है उसमें प्लीज चेक उसके अंदर का पॉइंट नंबर 3 पेज नंबर 371 वाला दिख रहा है क्या वो पढ़ो सो क्या है वो अदर रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर्स ओके ऑफर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिर से इसको एक समराइज किया टर्म्स ऑफ द इशू इशू स्ट्रक्चर इशू प्रोसीजर रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन ओनरशिप ऑफ इंडियन सिक्योरिटीज जनरली बच्चों अलाउ करते हैं कि हम लोग डू वी बाय शेयर्स ऑफ एप्पल सैमसंग गूगल डायरेक्टली बाय कर सकते हैं हम लोग नहीं कर सकते सब लोग फॉरेन पीपल फॉरेन इंडिविजुअल्स आर नॉट अलाउड टू गेट शेयर्स ऑफ आवर इंडियन कंपनी बराबर है देन मेन प्रोविजन ऑफ एओए अदर इन्फॉर्मेशन मटेरियल का अभी तुमको समझा मटेरियल कल परसों लिख के दिया तुमको मैंने मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर इंस्पेक्शन और उसका बच्चों का अगला वाला जो भी है डिक्लेरेशन कैन वी चेक डिविडेंड पॉलिसी अपने को देखने का था ना डिविडेंड पॉलिसी क्या टाइम पास है चेक करो पढ़ने को आ रहा है क्या रीडेबल है रीडेबल द कंपनी बच्चे डज नॉट हैव एनी फॉर्मल डिविडेंड पॉलिसी उनके मन को भाया तो डिविडेंड देंगे नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं देंगे बट आर दे कमिटेड एज सच नो ओके द डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स ऑन आर इक्विटी शेयर्स इफ एनी विल बी रिकमेंडेड बच्चों बाय आर बोर्ड एंड अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स एट देयर डिस्क्रिशन वॉट डू मीन बाय डिस्क्रिशन ये वर्ड लिख के दिया था तुमको मैंने नोटबुक में देखो पीछे दैट इज सुओ मोटो हाँ गुड लिखा था नोटबुक में यू हैव टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी नो क्वेश्चन अबाउट चॉइस या फिर पावर गुड नोटबुक में पीछे लिखा था पीछे आई डेल यू राइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एट द लास्ट ना याद है क्या आगे बढ़ो बच्चों सब्जेक्ट टू प्रोविजन ए यू एंड एप्लीकेबल लॉज ऑफ कंपनीज एक्ट वगैरह वो जो क्योंकि अपने सिलेबस में है चैप्टर नंबर 8 फॉर डिविडेंड ओके रेड विद रूल्स वगैरह वगैरह
आगे वी मे रिटेन ऑल आवर फ्यूचर अर्निंग्स. व्हाट डू मीन बाय दिस? जो भी आगे फ्यूचर में, अभी प्रॉस्पेक्टस है तो फ्यूचर के हिसाब से कि आगे क्या हम क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं करेंगे. वी मे रिटेन ऑल आवर फ्यूचर अर्निंग्स का मतलब क्या है? सिर्फ डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे, अब हमारा पैसा हम हमारे पास ही रखेंगे. करेक्ट लियो, इफ एनी फॉर द पर्पसेस टू बी डिसाइडेड बाय आवर कंपनी. अभी इसमें बच्चे पर्पस क्या रहने वाला है? व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द प्रॉफिट्स? अगर वो डिविडेंड में नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? खुद के पास रखेंगे, रिजर्व में रखेंगे, या फिर दे विल अप्लाई फॉर द प्रमोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी. बिजनेस के लिए इस्तेमाल करेंगे ना, ठीक है? नहीं ये तो इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर एक्सपेंशन करेंगे. सिंपल गुड. सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट. द क्वांटम ऑफ डिविडेंड इफ एनी अगर डिक्लेयर किया तो विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स. ओके एवरीबॉडी, सो पे अटेंशन. डिविडेंड पॉलिसी मीन्स वेदर दे पे और डू नॉट पे डिविडेंड. दे मे डिसाइड बच्चों टू पे, तो उनका डिविडेंड पॉलिसी हो भी सकता है कि हाँ हमारे ऑलमोस्ट ये फिक्स है कि हम हर साल या फिर जितना डिविडेंड होगा, जितना प्रॉफिट होगा, उसका सम एक्सपायर सेट परसेंटेज डिविडेंड देंगे. दैट कैन बी द डिविडेंड पॉलिसी. ओके, और क्या चेक करने का था अपने को? कुछ चेक करने का था बिजनेस क्या? आवर बिजनेस ना 191 प्लैटिनम का था ना, प्लैटिनम को करके कुछ अलग ही शायद. देखो क्या है ऊपर के, पहली बात ऊपर कुछ लिखा है क्या? आ जाओ देखो, वी आर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी एंगेज इन बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग स्टेबिलाइजर्स. ओ कुछ और ही निकला है तो. आवर बिजनेस सेगमेंट इंक्लूड्स, मतलब उनके बहुत सारे बिजनेसेस है. लुक एट द वर्ड सेगमेंट, तुमको सेगमेंट रिपोर्टिंग है. ओके पाइप बनाते क्या वो लोग? फोकर का नाम देखे रखा, प्लैटिनम बनाते तो पाइप से लोग. ओके पीवीसी स्टेबिलाइजर्स, सीपीवीसी एडिटिव्स एंड लुब्रिकेंट्स. वी ऑपरेट इन स्पेशलिटी केमिकल्स इंडस्ट्री. आवर प्रोडक्ट्स फाइंड देयर एप्लीकेशंस, मतलब उनका उनका जो प्रोडक्ट्स है कहाँ पर इस्तेमाल करते होते हैं? पीवीसी पाइप्स, पीवीसी प्रोवाइंस वगैरह वगैरह में. ओके बट आगे हम लोग तो एड्रेस बच्चे नती टू डूबे थे और ज्वेलरी वगैरह. ओके कुछ नहीं था येड़ा बना. सर्च वेब पता नहीं समथिंग ऑन द अदर प्रोडक्ट रहेगा, पर इतना बड़ा कंपनी है तो मतलब बहुत बड़ा बिजनेस तो रहेगा ही रहेगा बिकॉज दे आर कमिंग विथ आईपीओ. नहीं खुल रहा है. लेट्स गो अहेड एवरीबॉडी. पीवीसी स्टेबिलाइजर मे बी सम केमिकल, आई डोंट नो केमिकल्स. चलिए बच्चों और केमिकल बेस्ड कंपनी. ओके व्हाट आर दोस? एक्चुअली वी डोंट केयर अबाउट इट है ना. पाइप्स के ऊपर का कोटिंग कुछ रहेगा और कैन बी कंटेंट एक्चुअली मटेरियल यूज टू क्रिएट दैट पीवीसी पाइप्स. ओके ठीक है बड़े आ गए हम लोग. चलो दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड. सो ये तुम्हारा लेट अस कम बैक. हाँ चलो 27 सिलेबस पे आता है. रेडी एवरीबॉडी? चलो सो वेरिएशन का मतलब क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएशन? चेंज इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट्स इन द प्रॉस्पेक्टस. एक बार फिर से सॉरी लेट्स कम बैक हियर, एक बार दिखाना पड़ेगा तुमको, तब जाके तुम्हारे दिमाग में जाएगा कि वेदर देयर इज सम ऑर द अदर ऑब्जेक्ट्स और नो ऑफ द इशू. कि मतलब तुमको पैसा क्यों रेज करना है? फॉर एक्सपेंशन है या फिर इज इट फॉर वर्किंग कैपिटल और इज इट फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन? तो चल उसमें क्या रहेगा तुम्हारा, हमेशा क्या रहेगा? एक पर्पज आएगा. कैन यू सी एनीवेयर पर्पज ऑफ इशू? कुछ है क्या? द इशू देके रखा है सर. वेरी गुड. ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू 116 दिखा सभी को. चेक द इशू वी इज बीइंग अंडरटेकन. हम ये इशू क्यों कर रहे हैं? टू मीट द ऑब्जेक्ट्स देयर ऑफ एज सेट फोर्थ देयर हियरिन एंड टू रियलाइज द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग. मतलब जो हमारा प्राइसिंग चल रहा था उससे अच्छा खासा जो भी हमको प्राइस मिलेगा फ्रॉम द मार्केट. ओके इंक्लूडिंग एनहेंसमेंट ऑफ आर कंपनीज कॉर्पोरेट इमेज
ब्रांड नेम कुछ समझा, ऊपर से गया मतलब वन ऑफ द उनका जो पैसिवली पैसिव बेनिफिट बच्चे उनका क्या है इनका व्हाट आर ट्राइंग टू से एनहांसमेंट ऑफ आर कंपनीज कॉर्पोरेट इमेज ब्रांड नेम मतलब क्या बच्चों जो तुम लोग सीए लोग भी होते ना एज एन आर्टिकल्स आर्टिकल्स कभी कभी जाते हैं ना इंटरव्यू में सीए है ना इंटरव्यू के लिए वो उल्टा वो लोग क्वेश्चन पूछते भी आजकल सीए फॉर्म में आर्टिकल्स पूछते हैं इंटरव्यू के टाइम कितने पार्टनर्स है कितना ऑफिस है कितने क्लाइंट्स हैं ओके मैंने एक दो बार पूछा था मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कि नहीं सीखने को मिलता थोड़ा ज़्यादा सीखने को मिलता है एंड वन ऑफ द क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी दैट कि क्या आपके पास लिस्टेड कंपनीज हैं समझा ऊपर से तो सी आर्टिकल्स कभी भी सी ए फॉर्म को पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास लिस्टेड कंपनीज हैं तो मुझको बताओ जो ऑल द लिस्टेड कंपनीज इंडिया किसके पास रहेंगे ज़्यादातर तो बिग फोर के पास तो कंपल्सरी है ही है एंड ऑब्वियसली वेरी वेरी बिग फॉर्म्स इन इंडिया मैं ये नहीं कहूँगा सब बिग फोर के पास ही है ऑब्वियसली बाकी के भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं जिसके पास लिस्टेड कंपनीज है ना अगर मान लो कोई ऐसा आर्टिकल तुम जैसे आर्टिकल डिसाइड करते कि नहीं ये सी ए के पास भले एक या दो ये लिस्टेड कंपनीज है बट है कि नहीं है वॉट डू थिंक दैट इज अ गुड सी ए फॉर्म ऑब्वियसली कंपेयर टू वॉट अदर सी ए फॉर्म जिसके पास लिस्टेड कंपनी नहीं है ना वाई हाउ डज इट मेक हाउ डज इट मैटर तुम्हारा डिसीजन में क्यों बदल गया जैसे बिकॉज यू सेड लिस्टेड कंपनीज है क्योंकि वो कंपनी बड़ी है कि नहीं है है कंपनी बड़ी है तो पैसा भी बड़ा रहेगा सीखने को बच्चों तुमको बहुत मिलेगा दैट इज फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू सी ए के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कोई पान टपरी वाला क्लाइंट रहेगा और एक लिस्टेड कंपनी रहेगा बच्चों वो सी ए बताएगा कि किसी को कि मेरे पास पान टपरी वाला क्लाइंट है ऑब्वियसली नॉट क्या बोलेगा मेरे पास लिस्टेड कंपनी भी है हाँ या ना फ्रॉम हूज पॉइंट ऑफ व्यू सी ए पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू अगेन यू आर वर्किंग बच्चों इन अ स्मॉल कंपनी और यू आर वर्किंग इन एम एन सी और यू आर वर्किंग फॉर अ लिस्टेड कंपनी इवन इफ टुमारो यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट यू विल से ना मैं छोटे मोटे कंपनी में नहीं हूँ मैं लिस्टेड कंपनी के अंदर का चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ फर्क पड़ता है कि नहीं ऑब्वियसली यस तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू से हियर वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज एनहांसमेंट का मतलब क्या होता है वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज आवर ब्रांड इमेज क्लियर लियर लिस्टिंग का ऑब्वियसली ब्रांड फर्क पड़ेगा टुमारो दे आर गोइंग टू डील विद गवर्नमेंट या इवन फॉरन क्लाइंट्स अगर उनके होते हैं फॉरन क्लाइंट्स को और ज़्यादा भरोसा होगा ना और ज़्यादा मुझे रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा कि भाई ये तो छोटी मोटी कंपनी नहीं है कोई भी इंडियन कंपनी इट इज लिस्टेड इन इंडिया समझ रहे हैं दे मे ट्राई टू गेट बच्चों मोर बिजनेस इफ दे आर नाउ लिस्टेड क्लियर इट बिकम्स ईजी फॉर पीपल टू आइडेंटिफाई सच कंपनीज अंडरस्टूड और नो पक्का बढ़ो मैं आगे पढ़ो बच्चों आगे वो दो पैराग्राफ पढ़ो द प्रोसेस ऑफ द इशू आफ्टर डिडक्टिंग द इशू रिलेटेड एक्सपेंस तुमको शायद आई डोंट नो अकाउंट्स में आता रहेगा कि नहीं बट ये इशू करने के लिए खर्चा आएगा कि नहीं आएगा बहुत सारा खर्चा आएगा बच्चों बी एस सी एन एस सी का रहेगा कंसल्टेंट्स का रहेगा तुम्हारा वो आर टी ए का रहेगा आर टी ए कौन रजिस्टर टू द इशू का रहेगा तुम्हारे एक्सपर्ट्स रहेंगे ऑडिटर रहेगा सब सब लोगों से अपने को बच्चों परमिशन चाहिए और एज वेल एज ये सब फाइनेंशियल डेटा अपने को रेडी रखना है पढ़ो बच्चों आर एस्टिमेट टू बी सो एंड सो अ मिलियन ये तुम्हारा आई थिंक रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस था बिकॉज उसमें शेयर प्राइस फिक्स नहीं था है ना आगे द नेट प्रोसीड्स फ्रॉम इशू आर प्रपोज टू बी यूटिलाइज बाय आवर कंपनी फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स वो चार बच्चों चीज़ें पढ़ो बड़ा क्या समझो बच्चों जो पैसा रेज होने वाला कहाँ पर इस्तेमाल करने वाले आउटसाइड इंडिया ऑल्सो एंड दो और इन इंडिया दोनों में क्या करने वाले एक ब्रांच खोलने वाले वो लोग दैट इज नॉट ब्रांच इज नॉट सिंपली ब्रांच इट इज लाइक अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करंटली एवरीबॉडी बाद में आगे क्या यूज़ करने वाले वर्किंग कैपिटल के लिए भी जितना मिलेगा उतना इस्तेमाल करेंगे एज वेल एज एक उनका कॉर्पोरेट पर्पस मतलब वहाँ पे लोग एक अपने पास एक फंड बना के रखेंगे कभी कुछ इमरजेंसी लगता है दे माइट यूज इट क्लियरली अ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सेक्शन 27 जो तुम्हारे सामने रखा हुआ है उसका नाम क्या है वेरिएशन इन टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्रॉस्पेक्टस अब ट्राई टू अंडरस्टैंड ये तुम्हारे सामने एकदम रियल लाइफ का तुम्हारे सामने एग्जांपल दे रहा हूँ मैं अगर ये प्रॉस्पेक्टस इशू किया लोगों के सामने है ना एंड दे आर लाइक नहीं अच्छा है एक तो सब्सिडरी का जो मैन्युफैक्चरिंग जैसे सब्सिडरी और इजिप्ट वाला जो है इट इज सब्सिडरी प्लस देयर इज वन मोर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यू आर स्टार्टिंग इन इंडिया तो एक्सपेंशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो एंड एक्सपेंशन करोगे तो तुम्हारा टर्नओवर बढ़ने वाला है कि नहीं बढ़ने वाला है तुम्हारा टर्न ओवर बढ़ेगा कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा तुम्हारा शेयर का प्राइस बढ़ेगा सिम बढ़ेगा नहीं तो दिस इज समथिंग समथिंग फॉर गुड एंड इज इट बच्चों इन अ वेरी डिफरेंट ऑब्जेक्ट या जो कंपनी का खुद का ऑब्जेक्ट है उसमें ही काम कर रहे हैं लोग पीवीसी पाइप्स के लिए है ना कि नहीं इट इज ओनली फॉर बच्चों पीवीसी पाइप्स अंडरस्टूड एवरीबॉडी सो टुमारो ये प्रॉस्पेक्टस इशू करने के बाद पैसा लेने के बाद अचानक से बच्चों लोग बोले कि नहीं
हमने क्या किया, हमने चूज़ किया है सेक्शन 13 इस्तेमाल करें, हमारा MOA का ऑब्जेक्ट क्लॉज बदल दें, और कल जाके हमारा काम कंपनी के नाम प्लैटिनम था तो अभी हम प्लैटिनम का ट्रेडिंग करेंगे। चले गए बच्चों ऐसा, विल बाय एंड सेल वॉट प्लैटिनम, और विल बाय प्लैटिनम एंड मेक प्लैटिनम की ज्वेलरी बिकॉज आवर नेम इज वॉट प्लैटिनम। चले गए बच्चों, सो वॉट आर दे शोइंग पब्लिक हियर दैट दे आर गोइंग टू यूटिलाइज फॉर PVC पाइप्स का यूनिट। कैन दे चेंज देयर ऑब्जेक्ट टू समथिंग एल्स आफ्टर रेजिंग मनी? आंसर इज नो। क्यों नहीं बच्चों, सही है गलत, राइट और रॉन्ग, इट इज एथिकली मॉरली बच्चों क्या रॉन्ग, समझा नहीं समझा, तुमने दिखाया कुछ और किया कुछ और, क्लियर ऑल ऑफ यू? सो इट इज नॉट अलाउ एक्सेप्ट इन सर्टन केसेस। अच्छा चलो फटाफट पढ़ो 27.1, द कंपनी हैज़ टू यूज द फंड्स स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द प्रॉस्पेक्टस। लॉ में लिखा गया है, इट वॉज नीडलेस टू से बट स्टिल यूज कॉमन सेंस, इट इज रिटन इन द लॉ, वरना लोग कुछ भी किधर भी पैसा इस्तेमाल कर लेंगे। डिविशन का मतलब क्या होता है, चेंज वेरिएशन आर रिक्वायर्ड टू बी प्री अप्रूव्ड बाई इन्वेस्टर्स एंड रिकॉल ऑप्शन टू बी गिवन टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। रिकॉल मतलब रिटर्न रिफंड है ना, डिसेंटिंग का मतलब क्या रहेगा, जो डिसअग्री कर रहे हैं, वेरी गुड, तो जो डिसअग्री कर रहे हैं उनको बोलो ओके डाटा बाय, है ना, उनको पैसे दे दो, उन्होंने पैसा दिया था अपने पास, उसके बाद उसको क्या बोलेंगे अपन, उनको जाना तो बच्चे जा सकते हैं, अरे हाँ है ना, क्लियर आगे। एक्सेप्शन मतलब बच्चों वी कैन वॉट बच्चों यूज दिस मनी इन सम अदर बिजनेस जो अप्रूव्ड नहीं है एज पर द प्रॉस्पेक्टस। व्हेन एंड हाउ, स्टार मार्क करते हैं इसको, ये बच्चों डन बाय व्हाट, SR एंड द डिटेल्स ऑफ दिस SR रेजोल्यूशन आर बच्चों गिवन वेयर इन पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर, वन इन इंग्लिश एंड वन इन वर्नैक्युलर। व्हाट डू मीन बाय वर्नैक्युलर, लोकल, और लोकल का मतलब कौन सा रहेगा, विच लोकल एरिया, जहाँ पे अपना RO है, समझा, अगर पुणे में करेंगे थोड़ी बच्चों गुजराती में करेंगे, पुणे में करेंगे तो बच्चों मराठी में करेंगे, ओके, तो एक इंग्लिश और एक तुम्हारा लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में, तुम लोग दोनों भी न्यूज़पेपर में क्या दोगे, एडवर्टाइजमेंट दोगे दैट वी आर चेंजिंग आवर ऑब्जेक्ट, समझा। वाई बच्चों, वाई न्यूज़पेपर वगैरह देख रखा है, पब्लिक को समझने के लिए, बिकॉज तुमने प्रॉस्पेक्टस भी पब्लिक में दिया था ना, तो जब बताया था कुछ और बताया था, अभी कर रहे हो कुछ और, तो जब अभी तुम चेंज कर रहे हो तो वो भी तुमको पब्लिक को बताना चाहिए, समझा। सो थ्रू न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का बच्चों दूसरा पर्पस ऑब्वियसली इट इज इजी, इट हैज़ बच्चों गुड रीचेबिलिटी, समझा, ऊपर से गया, अरे जल्दी से जल्दी समझेगा और भी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझेगा, स्पेशली इट इज़ टू वॉर्न विच पर्सन, जिन्होंने इन्वेस्ट कर लिया है उनको, समझा कि नहीं समझेगा, यस। आगे, इन द सिटी वेयर द RO ऑफ द कंपनी सिचुएटेड इंडिकेटिंग क्लियरली द, अंडरलाइन दिस वर्ड, इंडिकेटिंग बच्चों क्लियरली द जस्टिफिकेशन फॉर सच वेरिएशन, अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट है वो, उन्होंने जस्टिफाई किया हमको क्यों चेंज करना है, देयर हैज़ टू बी अ रीज़न फॉर इट, क्लियर। ऑल्सो द कंपनी शैल नॉट यूज द मनी टू ट्रेड इन एनी अदर लिस्टेड कंपनी, कॉमन सेंस, मुझको बोला कितना पैसा रेस कर रहे हो लोग, टेल मी, लैक्स और करोड़, करोड़, हमने कल परसों देखा था क्या 500 या 2000, आई डोंट नो कितना देखा था अपन ने, 500 करोड़ के आसपास था कुछ ना कुछ, कौन सी कंपनी देखी थी अपने, वो कैरी मैन क्या था, वो कैरी मैन ने देखा, आर के स्वामी, वही था कुछ, आर के स्वामी कल देखा था हम लोगों ने, अरे बराबर ना, आर के स्वामी था वो, सी इतना पैसा तुम्हारे पास रहेगा बच्चों, कांट यू मैनिपुलेट द मार्केट्स, ऑब्वियसली यस, दैट्स व्हाई यू आर नॉट अलाउड ना। चेक कर इशू साइज देख लो, इशू साइज, उसके आगे कॉलम इशू साइज का कॉलम दिख रहा है क्या, इशू साइज, हाँ 34 करोड़, 189 करोड़, 300 करोड़ का तुम्हारा, वो किधर गया, तो स्वामी स्वामी था ना, आर के स्वामी, समथिंग आर के स्वामी ने कितना रेस किया, 423 करोड़, यस एवरीबडी, भारत हाईवेज का बहुत ज़्यादा ही पैसा है, पर अपने प्लैटिनम बच्चों कितना रेस कर रहा था, प्लैटिनम 235 करोड़, यस चिकर, मजाक नहीं ना, इतना छोटा अमाउंट, बड़ा अमाउंट है बच्चों, इट इज़ अ वेरी वेरी सब्सटेंशियल अमाउंट, एंड बच्चों इफ यू यूटिलाइज दैट मनी टू ट्रेड, तुमको 50 पैसे 10 पैसे का भी फर्क अगर पड़ता है तो इतने क्वान्टिटी में बाय करोगे बच्चों, अगर 10 पैसे से भी तुम्हारा प्राइस इंक्रीज हुआ, दैट स्टिल रिजल्ट इन व्हाट, लैक्स एंड लैक्स ऑफ प्रॉफिट इमीजिएटली, अरे हाँ यार, पैसे डालो और इमीजिएट इन्वेस्ट कर दे, बट यू आर मैनेजमेंट इन द मार्केट्स, समझ रहे एवरीबॉडी, इट इज़ अ वेरी फेक शो, अपने आप बच्चों तुम्हारा तुम लोग आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन कर रहे हो, है ना, सो द कंपनीज आर नॉट अलाउड टू डू व्हाट, इन्वेस्ट इन द मार्केट एट ऑल, जो पैसा जिसके लिए लाया है उसी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए।
सब क्लियर, बड़े आगे चलो, कम टू द नोटबुक, कौन से पेज में आएंगे बच्चों हम लोग, कम टू द पेज ऑफ रेजोल्यूशंस, याद आ रहे तुमको? वेरिएशन इन टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस, वेरिएशन इन टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस। बीच में कोई भी सेक्शन में एसआर नहीं आया था ना, 16 में ओआर आता है, 16 में व्हाट इज 16, ऑल्टरेशन नेम ऑफ, ऑल्टरेशन द नेम ऑफ कंपनी में ओआर, वी हैव कवर्ड दैट, नो ऊपर से ही ऑर्डर आता है बच्चे, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट ओआर, वी नॉट रिटन दैट, वी हैव रिटन दैट बच्चों 16 में करेक्ट इलियर, बाद में कहीं पर भी तुम्हारा 17, 19, 20 में डिसीजन कहीं भी नहीं है, ओके सो 27 इज करेक्ट एसआर, ओके एवरीबॉडी, बड़े आगे हम लोग आ जाओ अगला, रूल 7 डील्स विद वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस, रेडी, रूल 7 सब रूल 1, व्हेन द कंपनी हैज रेज मनी फ्रॉम पब्लिक थ्रू प्रॉस्पेक्टस एंड हैज एनी अंडरलाइन एंड हैज एनी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट, मतलब क्या, एक तो पूरा का पूरा अमाउंट पेंडिंग है या फिर कुछ खर्चा कर दिया है फॉर द ऑब्जेक्ट एंड कुछ बाकी का पैसा बचा हुआ है, इट शैल नॉट चेंज द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट गिवन इन द प्रॉस्पेक्टस और इट शैल नॉट चेंज ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द प्रॉस्पेक्टस वॉज इशूड, क्लियर, एक्सेप्ट बच्चों बाय वॉट, पासिंग बाय, एक्सेप्ट बाय अप्रूवल ऑफ वॉट, बाय पासिंग ऑफ एस आर थ्रू पोस्टल बैलेट, आई थिंक आई ऑलरेडी गिवन व्हाट इज पोस्टल बैलेट, इट वॉज अ मेथड ऑफ वोटिंग, मेथड ऑफ वोटिंग, बट टाइम है उसको, एंड द नोटिस ऑफ प्रपोज एस आर इंपॉर्टेंट, अभी नोटिस जो है एस आर तुमको समझ रहे वॉट इज एस आर बच्चों, इट इज डिसीजन है ना, स्पेशल मेजोरिटी, वो बच्चे डिसीजन कहाँ पे लेंगे हम लोग, इन द मीटिंग, और मीटिंग के लिए क्या भेजेंगे, नोटिस, आई ऑल अंडरस्टैंडिंग, तो नोटिस जो है उसमें क्या क्या डिटेल्स भेजोगे वो सब वहाँ पे देख के रखा है, रीड दैट पॉइंट नंबर ABCDEFG, पढ़ो वो सब नोटिस में क्या क्या रहेगा, बड़े आगे चेक द ओरिजिनल पर्पस ऑफ द ऑब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट क्या दिया था, कितना पैसा टोटल रेज किया है, द मनी यूटिलाइज मतलब इस्तेमाल किया फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी स्टेड इन प्रॉस्पेक्टस, मतलब मैचिंग मैचिंग वाला, मैचिंग मैचिंग मतलब क्या, जो बताया था उसके लिए कितना इस्तेमाल किया, ओके देन द एक्सटेंट ऑफ अचीवमेंट कि वो जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स थे, अभी तुमने जस्ट तुम्हारे सामने दो ऑब्जेक्ट देखे, इजिप्ट का तुम्हारा था, इजिप्ट था ना वो, इजिप्ट में एक तुम्हारा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और एक तुम्हारा पालघर में, बराबर है कि नहीं, तो क्या वो प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया, तो कितना वो कंप्लीट हुआ है, जस्ट फाउंडेशन डाला है 10% ही हुआ है या 70% हो चुका है, सो द क्वांटम ऑफ द परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जहाँ पे तुम उसका पैसा इस्तेमाल कर रहे हो, ओके नाउ बैलेंस मनी द अनयूटिलाइज अमाउंट आउट ऑफ द मनी सो रेज थ्रू प्रॉस्पेक्टस द डिटेल्स ऑफ तुम लोग क्या चेंजेस कर रहे हो, ओके नहीं एंड क्यों कर रहे हो, समझा क्या बच्चों, EFG समझा, E मतलब हाउ मच अमाउंट रिमेनिंग, 5F मतलब क्या, वॉट चेंजेस आर यू डूइंग, एंड जी मतलब वॉट क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डूइंग दैट, क्लियर, ये सब डिटेल्स मुझे कहाँ पे मेंशन रहेंगे, ए से लेके जी कहाँ पे रहेगा, नोटिस वे बच्चो, नोटिस, अरे नोटिस भेजोगे कि नहीं, तो विल इन्फॉर्म ना, हु विल इन्फॉर्म, शेयर होल्डर्स, मेंबर्स, करेक्ट, उनसे तुमने पैसा लिया है बच्चो, क्लियर, आगे रूल 7-2 एडवर्टाइजमेंट ऑफ द नोटिस फॉर गेटिंग द रेजोल्यूशन पास फॉर चेंज ऑफ द टर्म्स वगैरह वगैरह, अगले पेज पे आओ, शाल बी बच्चे निच पेज, इट शाल बी विच फॉर्म,
PAS-1. What is PAS-1? It is the advertisement ka notice. It is which advertisement ka format. In which form? PAS. What is PAS? Chapter ka naam. And allotment of security. Ko bola na maine. Har form ka naam, chapter ka naam hi rahega. Okay? Chalo ek baar jao, end of the textbook mein jao. I think wahan pe sab tumhare forms the. Diya tha na tumko ek baar. Padho PAS-1. उसको टिक मार्क करो, पढ़ो उसको अच्छे से, पहले पढ़ो, टिक मार्क कर दो. पढ़ा? इज इट मैचिंग विद आवर थ्योरी? ऑब्वियसली वी नेवर नो. कभी भी एमसीक्यूज पूछ सकते हैं बेस्ड ऑन रैंडम फॉर्म नंबर्स आल्सो, तो इसलिए उतना भी ध्यान से तुमको पढ़ना पड़ेगा. अगर 100% मार्क्स चाहिए तो एटलीस्ट इन एमसीक्यू, है ना, कि उन्होंने कुछ भी रैंडमली फॉर्म नंबर का नाम पूछ ले, भाई ये फॉर्म किसके लिए, वो फॉर्म किसके लिए, यू शुड नो दैट. ओके एवरीबॉडी, बड़ों में आ गए. PAS-1. ओके, एंड सच एडवर्टाइजमेंट शैल बी ऑल्सो पब्लिश्ड साइमल्टेनियसली विद डिस्पैच ऑफ पोस्टल बैलेट नोटिसेस टू द शेयर होल्डर्स. पोस्टल बैलेट इज जस्ट अ मेथड ऑफ वोटिंग. ओके, बड़ों में आ गए. बड़े आगे बच्चों, ट्वेंटी 3, डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स टू बी गिवन अपॉर्चुनिटी बच्चों व्हाट एग्जिट. मतलब समझा कि नहीं समझा? अब चेक पी से पे अटेंशन. अगर हमको एक्चुअली चेंज करने को अलाउ किया तो कितने लोगों ने हाँ बोलना चाहिए? 75%. व्हाट अबाउट रिमेनिंग ऑफ देम जिसने हाँ नहीं बोला? लेट अस से द वोटिंग गिव टू 80 and 20. 80% said yes, 20% said no. But बच्चों जो remaining 20% है, क्या उनका capital ऐसे इस्तेमाल किया जाएगा क्या? Without their consent, no. So they should be given chance. कि देखो भाई, majority are going ahead with us for the change. तो तुमको आना तो आओ, पर तुमको नहीं आना तो you can also cancel, take the money and leave the company. Understood? So they should be given a chance to what? Exit. Clear? All of you? Then बच्चों और section number 27. हुआ? बड़े आगे कम टू थियरी यार. कुछ क्वेश्चन थियरी वाले क्वेश्चन आंसर में आते हैं. लेट्स चेक समथिंग वी कैन डू. कौन सा बच्चो? डी ना. सो कंपनी कैन चेंज इट्स टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रॉस्पेक्टस बाय बच्चो व्हाट? एसआर, बट ओनली थ्रू पोस्टल बैलेट. तो सीआरडी में भी थोड़ा सा फर्क है. ओके, ठीक है, बड़े हम लोग आगे बच्चों. फिर ठीक है, आ जाओ, लेट्स फिनिश अनदर वन. कौन सा किया बने बच्चों? 27 है ना. एक बार एक खत्म करते हैं, 26 और 25 स्टार्टिंग वाले में आ जाओ. पेज 3.4 तुम्हारे रिलेटेड टू प्रॉस्पेक्टस हम लोग खत्म कर डालेंगे. एवरीथिंग अबाउट प्रॉस्पेक्टस, मतलब वी आर स्टिल डिस्कसिंग सेक्शंस प्री अलॉटमेंट, है ना, अलॉटमेंट के पहले वाले. समझा क्या? अलॉटमेंट के पहले क्या क्या होगा? एवरीथिंग अबाउट प्रॉस्पेक्टस हम लोग वही पढ़ रहे हैं ना अब तक. प्रॉस्पेक्टस के लिए क्या क्या है,
क्या क्या टाइप्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस है ना, या फिर तुमने प्रॉस्पेक्टस में कुछ दिया और अभी तो कुछ और करना चाहते हो, तो फिर क्या प्रोसेस है? यस एवरीबॉडी, चलो तो 26 इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन, रेडी? व्हाट डज इट से? मैटर्स टू बी शेड इन प्रॉस्पेक्ट, टू बी शेड मतलब ये तुम्हारा आना ही चाहिए कंटेंट्स. नाउ वी आर नॉट गोइंग इन दैट 400-500 पेजेस वाला डिटेल्स. तो हमारे पास बच्चों क्या बस स्टार्टिंग का फर्स्ट पेज वाला कौन सा इंडेक्स पेज काइंड ऑफ ही है, कि मेन मेन तुम्हारे क्या क्या पॉइंट्स आने चाहिए उतने हमको याद रखना है. स्पेशली सिलेबस के लिए कौन से अपन डाटा टेल यू, आ जाओ. सो मैटर्स टू बी शेड इन प्रॉस्पेक्टस 26-1 क्या कहता है, आ जाओ 26-1 टाइम पास. तो बस अंडरलाइन कर लेना, टाइम पास है तुम्हारा, अंडरलाइन करो. प्रॉस्पेक्टस बच्चों शैल बी व्हाट, डेटेड एंड साइंड, अंडरलाइन करो, डेटेड एंड साइंड. And it has to have specified information. Okay? Regarding what? It shall include such or shall state such information and set out such reports on financial information as may be specified by what bachcho? SEBI. ठीक है यहाँ तक all time pass. तो यहाँ पे बच्चों give पहले उनका category कौन सा दे रखा तुमको, financial information. Okay? अब इसमें तुमको ये सब नहीं देना है कि P&L है, बैलेंस शीट है, रेशियोज है, कितने साल का है, 3 साल 5 साल, ये सब हमको नहीं करना है. कंपनी लॉ यू शुड डू दैट अर्लियर. ओके द सेम नोट्स आई एम टेलिंग यू 4-5-6 ईयर्स बिफोर, मैं तब उसको पढ़ाता था एंड तभी कंपनी लॉ कहता, कंपनी लॉ यू शुड टेल यू कि एटलीस्ट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स फाइनेंशियल ईयर्स यू हैव टू प्रोवाइड बैलेंस शीट एंड P&L वगैरह वगैरह. अभी रिमूव कर दिया. अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी. तो बच्चों कंपनी लॉ ने कुछ जिम्मेदारी लिखा है यहाँ पे, नहीं. व्हाट डिड इट से, सेबी जो बोलेगा वो. अरे हाँ है ना, क्लियर लियो. अगला वाला स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन पढ़ो बच्चों, एकदम ठीक है, टाइम पास है वो. बड़े आगे व्हाट इज इट सेइंग बच्चों, डिक्लेरेशन अबाउट कंप्लायंस और प्रोविजन बच्चों विच एक्ट, कंपनीज एक्ट, दूसरा SCR है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, तीसरा बच्चों का तुम्हारा सेबी अगर लिस्टेड है तो. उसके बारे में हमने क्या किया बच्चों, उसको पूरी तरह से फॉलो किया कि नहीं किया है? व्हाट इज द सेकंड सेंटेंस सेइंग, टू द इफेक्ट दैट नथिंग इन दिस प्रॉस्पेक्टस इज कॉन्ट्रेरी, मतलब क्या, वी हैव कंप्लाइड. कंप्लाइड मतलब क्या बच्चों, फॉलोड ऑल द सेक्शंस एज वेल एज उसके रूल्स ऑफ ऑल दीज 3 एक्ट. किसी का भी कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन नहीं है. ये बच्चों डिक्लेरेशन देना क्यों जरूरी है, इज इट बच्चों काइंड ऑफ डिक्लेरेशन पुटिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द कंपनी. डिटेल्स बच्चों, डिटेल्स कौन दे रहा है, कंपनी दे रही है कि नहीं? यस. कैन कंपनी लेटर ऑन से नहीं, हमने एक्सपर्ट वाले से बुलाया था, हमने कोई थर्ड पार्टी से बुलाया था, हमने फोर्थ पार्टी से बोला सब डेटा प्रोवाइड करने के लिए, हम जिम्मेदार नहीं है. प्रॉस्पेक्टस तो तुम्हारा है, तुम 100% बच्चों क्या है, रिस्पॉन्सिबल हो. तो दैट इज व्हाई यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. डिक्लेरेशन भी जो भी दिया है हमने दिया है एंड वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम. क्लियर लियो, दैट्स व्हाई दे हैव टू गिव अ डिक्लेरेशन ओवर यू. समझो, बड़े आगे चलो आ जाओ. 26-2 को स्टार मार्क दे दो बच्चे, 3 स्टार दे दो. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कभी कभी, मतलब बच्चों नो नीड ऑफ प्रॉस्पेक्टस. सिंपल बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज व्हाट आई एम राइटिंग, नो नीड ऑफ प्रॉस्पेक्टस. No need of prospectus. Okay? Kab? Check now. Issue to existing members or existing debenture holders. Can you give me an example of issue to existing members? Theek hai, bonus shares, good. What else? Good. Wo ESOP kisko diya jata hai? राइट शेयर्स खेड़ लिया. अब जो इनको अगर इशू कर रहे हैं तो प्रॉस्पेक्टस की जरूरत क्यों नहीं है, दे आर ऑलरेडी इन पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ द कंपनी, दे आर ऑलरेडी इनसाइडर ऑफ द कंपनी. समझ रहे कि नहीं, उनको फिर से अलग से डेटा देने की जरूरत नहीं है. खेड़ लियो पक्का. सो दैट टाइम इन दिस केस यू डोंट हैव टू प्रोवाइड और मेक बच्चों व्हाट, प्रॉस्पेक्टस. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट एक्सेप्शन. बच्चों व्हाट इज सेकंड एक्सेप्शन चेक करो. If the shares or debentures are uniform, matlab kya? That is same in all respects. All respect matlab jo bhi rights hai,
परसेंटेज रहेगा डिबेंचर के ऊपर, जिसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल जो भी है, जो हम अभी नया इशू करने वाले हैं, इट इज सेम इन रिस्पेक्ट ऑफ इन ऑल रिस्पेक्ट्स विद ऑलरेडी व्हिच इशूड शेयर द डिबेंचर व्हिच आर लिस्टेड, मतलब वो जो कंपनी जो है, वो जो सिक्योरिटी जो है, व्हिच व्हाट ऑलरेडी लिस्टेड ऑन द आरएससी, आरएससी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज. अब यू टेल मी बच्चों, अगर कंपनी लिस्टेड है ऑन आरएससी, उसका डेटा अवेलेबल रहेगा कि नहीं पब्लिकली वो कंपनी का? दैट कंपनीज बच्चों हैव टू डू व्हाट क्वार्टरली रिपोर्ट्स. सुना है क्या? नहीं दोस्त बच्चों, कंपनीज हैव टू प्रोवाइड व्हाट? क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉट एनुअली. क्वार्टरली मतलब क्वार्टरली ऑडिटेड. अब ऑडिट का मतलब क्या? फाइनलाइज. यू कैन चेंज लेटर ऑन कि हाँ अभी अभी के लिए ले लो, बाद में फिर हम लोग देखते करके. इट हैज़ टू बी क्वार्टरली ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. समझे? तो अगर तुम कभी भी कोई भी कंपनी का देखोगे बीच में शेयर प्राइस जंप होता है डाउन होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द क्वार्टरली रिजल्ट्स. अंडरस्टूड और नो एवरीबॉडी? कभी बीच में तुम्हारा होता है कि तुम्हारे अभी किसका था, HDFC का था, बीच में क्वार्टरली रिजल्ट्स पोस्ट हो गया, फटाक से शेयर डाउन हो गया, बिकॉज दैट क्वार्टर वॉज नॉट दैट गुड फॉर दैट कंपनी. गेटिंग अबाउट एवरीबॉडी? यस. तो अगर ऑलरेडी वो कंपनी लिस्टेड है एंड देन फर्दर यू आर डूइंग न्यू इश्यूज ऑफ सेम टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, तो फिर से प्रॉस्पेक्टस बनाने की जरूरत नहीं. समझा? ये दो एक्सेप्शन प्लीज याद रखो, इंपॉर्टेंट है. बढ़ू मैं आगे? चलो आ जाओ. 26(3), द डेट इंडिकेटेड इन द प्रॉस्पेक्टस शैल बी डीम्ड टू बी द डेट ऑफ इट्स व्हाट बच्चों? अंडरलाइन पब्लिकेशन. व्हाट डू मीन पब्लिकेशन? समझते ना, पब्लिकेशन मतलब लोगों में देना. करेक्ट. इशू करना, लोगों में देना. टू पब्लिश. ओके, रेडी एवरीबॉडी? समझा? प्रॉस्पेक्टस टू बी इश्यूड मतलब पब्लिश्ड. ओके, आफ्टर डिलीवरी ऑफ फॉर फाइलिंग फॉर बच्चों हु आरओसी. घर में पूजा पाठ होती है तो सबसे पहले बच्चों किसको देते हैं? अपन भगवान को, है ना? भगवान का खाना किसको देते हैं? छोटे बच्चे को देते हैं, है कि नहीं? घर में जो छोटा बच्चा बच्ची रहेगी, जाओ खा के लिए खा जाओ, खाओ सबसे पहले बच्चों प्रेफरेंस उनको. वो सबसे पहले किसको? भगवान को. तो बच्चों कंपनी के भगवान कौन है? बाबू सोना कौन है? सब बच्चों का एवरीथिंग कौन है कंपनी के लिए? आरओसी. कंपनी का बाबू आरओसी. तो सबसे पहले लोगों को भी देने के पहले सबसे पहले किसको? आरओसी. क्लियर? अरे हाँ, है ना? है ना? हिम्मत बच्चों कंपनी की बाहर पहले देने की, बिफोर बच्चों गिविंग टू आरओसी. तो फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों ऑलवेज हू? आरओसी. सो चेक, नो प्रॉस्पेक्टस शैल बी इशूड. मतलब इवन इफ इट इज लाइक पब्लिक इशू, उसमें सेबी वगैरह आ रहा है, फिर भी कंपनी ने क्या रखा है? पावर सेबी पावर आरओसी के पास रखा है. सो नो प्रॉस्पेक्टस शैल बी इशूड ऑफ अ कंपनी और इन रिलेशन टू अर इंटेंडेड कंपनी अनलेस ऑन और बिफोर द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन विच हैज बीन व्हाट डिलीवर्ड टू द आरओसी फॉर फाइलिंग, देन अ कॉपी देयर ऑफ साइन बाय एवरी पर्सन हु इज नेम्ड देयर इन एज अ डायरेक्टर और प्रपोज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और बाय हिज ड्यूली ऑथोराइज्ड अटॉर्नी. पे अटेंशन, व्हाट इज गेटिंग सबमिटेड टू द आरओसी? अ साइंड कॉपी ऑफ द प्रॉस्पेक्टस. अग्री डिलीवर? व्हेन? बिफोर और आफ्टर इशू? बिफोर इशू कंपल्सरीली. साइन कौन करेगा? डायरेक्टर. ओके, ये वर्ड याद आ रहा है? अटॉर्नी. व्हाट इज अटॉर्नी? जिसको पावर दिया है टू साइन. तो एनीबॉडी साइनिंग ऑन पीआर डायरेक्टर इज एज़ गुड. किसने साइन किया? डायरेक्टर ने किया. तो डायरेक्टर ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने साइन नहीं किया, पर तूने किसी को तो पीओए दिया ना, वो बंदे ने साइन किया, तो एज़ गुड क्यों? डायरेक्टर ने ही साइन किया है. क्लियर लिया? सो अ साइन कॉपी ऑफ व्हाट बच्चों? प्रॉस्पेक्टस विल बी डिलीवर्ड टू होम आरओसी सबसे पहले. ओके, बड़े आगे चलो. 26(5), प्रॉस्पेक्टस नॉट टू इंक्लूड एक्सपर्ट स्टेटमेंट अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस. ओके, अब जो एक्सपर्ट होता है जो कंपनी का वैल्यूएशन करेगा, एक आउटसाइडर पार्टी जो सब चेक करेगा कि सब कंप्लायंसेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, है ना? सो प्रॉस्पेक्टस बच्चों शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट, इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ मैं, 3. 25 इज इम्पॉर्टेंट, बाकी सब इज ओके डोके. ओके, सो प्रॉस्पेक्टस नॉट टू इंक्लूड, ओके क्या था, सॉरी, प्रॉस्पेक्टस शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्सपर्ट, ओके, हु इज नॉट एंड हैज नॉट बीन एंगेज और इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन और प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. प्लीज अंडरस्टैंड, कौन सा एक्सपर्ट चाहिए अपने को? विच टाइप ऑफ एक्सपर्ट चाहिए अपने को? जो इन्वॉल्व था या इन्वॉल्व नहीं था? इन्वॉल्व नहीं था रिगार्डिंग वॉट? प्रमोशन और यू कैन से वॉट इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी और इवन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. पर ही हैज़ टू बी इनसाइडर और आउटसाइडर?
और कंपल्सरी आउटसाइडर न्यूट्रल पार्टी होना चाहिए. ओके एंड हैज गिवन अ रिटन कंसेंट टू द इशू ऑफ द प्रॉस्पेक्टस. हु हैज गिवन द रिटन कंसेंट? दैट एक्सपर्ट दैट आई एम. उसको ऐसा वो गन वगैरह रख के नहीं बोल, कोवर्शन नहीं किया है प्रॉस्पेक्टस साइन करवाने के लिए. मैं वॉलंटरीली आई एम ओके विद दिस प्रॉस्पेक्टस एंड आई एम गिविंग रिटन कंसेंट. समझो. एंड ही हैज नॉट विड्रॉन सच कंसेंट बिफोर डिलीवरी ऑफ कॉपी ऑफ द प्रॉस्पेक्टस टू द आरओसी फॉर फाइलिंग एंड अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट शैल बी इंक्लूडेड इन द प्रॉस्पेक्टस. हू स्टेटमेंट बच्चों? एक्सपर्ट स्टेटमेंट विल बी रिपोर्टेड बच्चों वेयर? इन द प्रॉस्पेक्टस. कि आई गिव कंसेंट फॉर इशू ऑफ दिस प्रॉस्पेक्टस. सेकेंड आई हैव नॉट विड्रॉन माई कंसेंट टिल इट इज वॉट बच्चों इशू टू द रजिस्ट्रार. ये सब लिखा जाएगा बच्चों कहाँ पे? कहाँ पे? प्रॉस्पेक्टस. ओके आई डाउट है मेरे को मिलेगा वो बहुत उसको सर्च करना पड़ेगा. हाँ उसके बिना हम नहीं करेंगे. बेस्ट चेक करो बच्चों. Except as stated below, our company has not obtained any expert opinions. ये कौन से कैटेगरी में आ रहा है देखना पड़ेगा. 92 वाले पेज पे. डिटेल्स ऑफ की इंटरमीडियरीज पर्टेन टू द इशू. ये अपने किया ना बिग रजिस्टर ऑफ द इशू किया ना अपन ने. एंड वॉट इज बुक रनिंग लीड मैनेजर्स. ये तुम्हारे बैंक्स बैंकर्स होते हैं जो पूरा पैसा तुम्हारे हैंडल करने वाले है. ओके जनरल इंफॉर्मेशन. किधर गया हो एक्सपर्ट? एक्सेप्ट एज स्टेटेड बिलो आवर कंपनी हैज नॉट ऑब्टेंड एनी एक्सपर्ट्स ओपिनियन अदर देन दीज. कौन कौन है चेक करो. आवर कंपनी हैज रिसीव्ड रिटन कंसेंट दिख रहा है प्रॉस्पेक्टस में फ्रॉम फॉलोइंग पर्संस टू इंक्लूड देयर नेम्स इन द रिटन प्रॉस्पेक्टस एज एन एक्सपर्ट. आया कि नहीं? एज डिफाइंड इन 238 तुम्हारी सेक्शन के नीचे 238 दिया के देखो वही पेज पे मतलब वही सेक्शन में वेरी सेक्शन 26 ऑब्वियसली बट वेदर एक्सपर्ट इज डिफाइंड पढ़ो लास्ट लाइन ऑफ दैट सेक्शन है. मिला कि नहीं सभी को? क्या क्या सी एस सी में सब कुछ है क्या? ऑल क्वालिफिकेशन आर इंक्लूडेड तो दे आर कैन वेरी वेरी ओपन. एनीबडी व्हिच कैन बी एन एक्सपर्ट 238 है क्या वो? सो इट इज मैचिंग क्लियरली of the Companies Act and such consents have not been withdrawn as on the date of this red herrings. Is it exactly matching what we are doing? 26.5 ये जो दिख रहा तुम्हारे सामने पढ़ो बच्चों. What do you see? ABC कितने कौन से लोगों का है? This is literally what you are doing is exactly practical. Consent letter dated 23rd Jan 2024 अभी का from our statutory and peer review auditor namely so and so chartered accountants in respect of reports of statutory auditors on restated financial statements dated 17th dated November 17, 2023 consent letter dated 23rd Jan 2024 from a statutory peer review auditor so and so regarding what but in respect of statement of possible special tax benefits matlab chartered accountant unka jo chartered accountant wahi report de raha but related to what reinstated fs dusra bachcha regarding what special possible special tax benefits teesra check karo consent dated 25th Jan 2024 from Messrs Orbit Consultancy and Valuers Independent Chartered Engineers in respect of their certificate so-and-so on our company's installed capacity and capacity utilization at our manufacturing unit. बच्चों बोलने के लिए तो 100 टन का रहेगा 200 टन भी बोल देंगे मैन्युफैक्चरिंग उनका कैपेसिटी तो 100 टन से किसने सर्टिफाई करना चाहिए ना तो देर इज बच्चों वॉट चार्टर्ड इंजीनियर्स इंडिपेंडेंट जो लोग क्या करने वाले वैल्यूएशन करेंगे कि एक्चुअली वो यूनिट है या नहीं है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसका उतना कैपेसिटी है या नहीं है, है कि नहीं clearly and capacity utilization at our manufacturing unit and the certificate so and so for proposed facility 1 and proposed facility 2 is also included in this red herring prospectus clearly or puchho batao expert ka statement important hai ki nahi hai hai and which kind of expert who was not part of what bachcho company's promotion management etc etc clear badu mein aage bachcho aajao we'll finish this section at least aajao kya tha 26.6 Prospectus to mention compliances
ऑफ सर्टन फॉर्मेलिटीज ऑन इट्स फेस. व्हाट डू मीन बाय फेस? तुमको बीसीआर था ना, यू हैड ना बीसीआर. व्हाट इज कवर पेज, याद है ना कुछ? कवर पेज रेज्यूमे के साथ था क्या? कवर लेटर था, मतलब जस्ट द फॉर्मल ड्राफ्ट ऑफ सम टू थ्री लाइन्स ऑफ पैराग्राफ्स कि मैं अटैच कर रहा हूँ, पर क्यों कर रहा हूँ, इट लाइक ए फॉर्मल इंट्रोडक्शन. तो यू कैन अटैच मेनी 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 थिंग्स. अभी एग्जाम्पल ये सोचना, तुम कॉलेज में जाते हो, तुम बहुत सारा सबमिशन करते रहते हो, तुम्हारा एज इट इज बहुत टाइम पास होता है वहाँ पे, है कि नहीं? तो तुम लेटर से टीचर के पास गए और तुमने सब दे दिया, भाई एक बार के मैंने सब सबमिशन ले लो ना, तो तुमने उसको लेटर दिया कि आई एम गिविंग दिस सब्जेक्ट का दिस सबमिशन वगैरह वगैरह. तो सब बच्चों तुमने क्या किया, एक फ्रंट पेज पर लिख दिया कि मैं क्या क्या अटैच करके दे रहा हूँ. तो फ्रंट पेज बच्चों इज कॉल्ड एज वॉट, कवर पेज. अब तुम आरओसी को बच्चों प्रॉस्पेक्टस इशू कर रहे हो, इशू मतलब दे रहे हो, तो उसके साथ तुम्हारे क्या क्या सर्टिफिकेट्स कंप्लायंसेस वगैरह वगैरह कंसेंट लेटर्स रहेंगे, सब तुम क्या कर रहे हो, अटैच कर रहे हो. तो मेक अ वॉट बच्चों, कवर पेज आउट ऑफ इट, कि हम व्हाट ऑल वी आर सबमिटिंग टू द आरओसी. यस, आ जाओ. एवरी प्रॉस्पेक्टस शैल मेंशन ऑन कवर पेज, प्रॉस्पेक्टस के कवर पेज पे क्या, दैट कॉपी ऑफ प्रॉस्पेक्टस हैज बीन डिलीवर्ड टू आरओसी फॉर फाइलिंग. एवरी प्रॉस्पेक्टस बच्चों उसके फ्रंट पेज पे, एवरी प्रॉस्पेक्टस. अब जो पब्लिक के पास भी जाएगा उसके फ्रंट पेज पे क्या लिखा रहेगा, दिस प्रॉस्पेक्टस हैज बीन फाइल्ड विद आरओसी. देन स्पेसिफाई एनी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय दिस सेक्शन, सेक्शन 26. व्हाट इज द नेम ऑफ सेक्शन 26? मैन डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रॉस्पेक्टस, है ना? तो ये प्रॉस्पेक्टस में हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, रिक्वायर्ड बाय द सेक्शन टू बी अटैच टू द कॉपी सो डिलीवर्ड और रेफर टू द स्टेटमेंट इंक्लूडेड इन प्रॉस्पेक्टस विच स्पेसिफाई दीज डॉक्यूमेंट्स, कि हमने बच्चे डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं और किसको सबमिट किया, हम लोगों ने आरओसी को सबमिट किया है. सो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड टू आरओसी अलोंग विद दैट प्रॉस्पेक्टस. ओके, 26.7 प्रॉस्पेक्टस बी इशूड विद इन स्पेसिफाइड टाइम, इसको भी स्टार मार्क करो प्लीज एंड रीड बच्चों, उसको पढ़ो तुम लोग. बड़ा मतलब बच्चों कितने दिनों का गैप हो सकता है मैक्सिमम या मिनिमम में? मिनिमम या मैक्सिमम में हो? मैक्सिमम कितने दिनों का गैप हो सकता है? 90 days. बिटवीन व्हाट, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट? तो जिस दिन आरओसी को दिया प्रॉस्पेक्टस वहाँ से व्हाट, विद इन मैक्सिमम 90 days क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो, समझा? उसके आगे किया तो कुछ प्रॉब्लम है तो दैट बच्चों प्रॉस्पेक्टस इज नाउ लैप्स्ड. अगर 90 days निकल गए एंड यू हैव नॉट गिवन द प्रॉस्पेक्टस टू द पब्लिक और उसके बाद तुमको करना रहेगा तो फिर से पूरा प्रोसेस तुमको रिपीट करना पड़ेगा. ये क्यों रहेगा बच्चों, क्यों रहेगा ये लॉजिक? सजेशंस? हाँ, पर क्यों, पर क्वार्टरली से? ओके, करेक्ट. देखो तुमने प्रॉस्पेक्टस में कुछ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दिया कि नहीं दिया, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिया कि नहीं दिया, उसके बाद 3 months इज अ काइंड ऑफ सफिशियंट, बड़ा टाइम हो जाता है कि तुम्हारी कंपनी में कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं. शायद उन्होंने बच्चों कुछ बड़ा लोन ले लिया बीच में ही, विच इज अफेक्टिंग अ बैलेंस शीट विच इज नॉट शोन इन प्रॉस्पेक्टस, पर उसके बाद तुमने लोन लिया, क्लियर लिया, या फिर कुछ तुम्हारे असेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट हो चुका है, किसी और बैंक ने बच्चों क्लेम कर लिया है, तो एनीथिंग कैन हैपन विद इन दिस 3 months. तो 3 months ऑलरेडी हो गए रहेंगे, तो अगेन यू बच्चों और गिव फिर से नया प्रॉस्पेक्टस गिविंग ऑल द लेटेस्ट फ्रेशेस्ट इन्फॉर्मेशन. समझा नहीं समझा? दैट्स व्हाई दैट प्रॉस्पेक्टस एंड इशू cannot be chopped too much of that more than 90 days. Fresh होना चाहिए, fresh information उसमें होना चाहिए. Clear? So 90 days please याद रखो. 26.8 Punishment if issued prospectus contravenes applicable provision. Contravene मतलब क्या? Not to follow. The company shall be punishable कितना बच्चों? Not more than minimum कितना? 50,000 max 3 lakhs. And every person who is knowingly a party to the issue shall be punishable बच्चों कितना? फिर से वही है क्या? 50,000 rupees से लेके 3 lakh तक. क्या निकाल दिया वहां से? What has been removed? Imprisonment बच्चों has been what? Removed. Clear? That is बच्चों called as decriminalization of company law. Decriminalization मतलब क्या? बिजनेस चला रहे हो, मतलब इसके वजह से ये नहीं कि तुमको जेल में जाना चाहिए. तुमसे गलती हुई भी है अगर ही, पर गलती मतलब कैन बी पेड रिपेड बाय पेनल्टी और फाइन, उसके लिए जेल जाने की क्या जरूरत है? सो ओनली इन एक्सट्रीम केसेस वी हैव केप्ट द जेल वाला प्रोविजन, बाकी बहुत सारी जगह से बच्चों ने जेल हटा दिया है. इट बिकम्स अ रिस्क फॉर द डायरेक्टर्स ऑल्सो, समझ रहे, प्रमोटर्स ऑल्सो, कि भाई छोटा सा नॉन कंप्लायंस हो चुका है या फिर कुछ छोटा गलत चीज़ हो चुका है प्रॉस्पेक्टस में, उसके लिए जेल भी जाना चाहिए.
ओके एवरीबॉडी गॉट इट. और एक बार के बच्चे डायग्राम पे आ जाओ, कम ऑन दिस डायग्राम अर्लियर पेज पे लिखा गया, फटाफट देखो चेक इट शुड बी बच्चों और डेटेड एंड साइंड बराबर के नहीं. ये कहाँ पे पढ़ा हम लोगों ने? 26(1) में पढ़ा, करेक्ट. इट शुड हैव इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाइड बाय सेबी वगैरह, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एंड इट शुड ऑल्सो भी अटैच विद आवर रिपोर्ट. समझा? जो भी सेबी बोलता है वो रिपोर्ट्स. देन इवन एक्सपर्ट की रिपोर्ट तुम जोड़ोगे उसके साथ? यस. विच काइंड ऑफ एक्सपर्ट हु वाज नॉट एंगेज इन द फॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी? उसका रिटर्न कंसेंट बच्चों दिया जाएगा इन द प्रॉस्पेक्टस एंड इट शैल नॉट बी विथड्रॉन टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द प्रॉस्पेक्टस विद आरओसी. चलेगा? अब वो पॉइंट मेंशन इन द प्रॉस्पेक्टस, इट हैज़ बी मेंशन इन द प्रॉस्पेक्टस ना, बराबर के नहीं कि ये हमारा एक्सपर्ट है वगैरह वगैरह. अगला कवर, हर एक कवर पे जो प्रॉस्पेक्टस में क्या लिखोगे? दैट कॉपी ऑफ द प्रॉस्पेक्टस हैज़ बी व्हाट फाइल्ड विद आरओसी. एंड तुम उसके ऊपर और क्या दोगे? लिस्ट ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड टू द आरओसी. अगर चेक करना तो आरओसी के साथ चेक कर सकते हो या फिर कंपनी में आके भी चेक कर सकते हो. क्लियर? तो सेक्शन 26 इज इंपॉर्टेंट, स्पेशली उसमें तुम्हारे दो तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे जो तुमको मैंने स्टार मार्क करके दिए हैं. क्लियर लियो? समझा? चलो अभी के लिए बच्चों इतना ही. कल भी होमवर्क नहीं था ना? आज भी होमवर्क नहीं है फिलहाल तो, ठीक है. विल कवर सम सेक्शंस, आई विल गिव यू फॉर राइटिंग. चलो अभी के लिए इतना ही.